भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने उपचुनाव में कांग्रेस पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग को कर दी गई है। इस तरीके का विरोधाभासी बयान, जब रात को कांग्रेस के लोगों को पैसे बांटते हुए रंगे हाथों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उनको तो 131 में रिलीज कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 151 में पूरी रात भर उनको डिटेन किए रखा, क्योंकि वो सारे इतने प्रमुख कार्यकर्ता थे जो चुनाव में पूरे तरीके से लगे हुए थे। उसके बाद में जिस तरीके से वहां के एडिशनल एसपी ने, वहां के पुलिस प्रशासन ने जो लोगों को डराया धमकाया, और कांग्रेस के भी तमाम जिस तरीके के मंत्री और वहां के विधायक जो मूवमेंट नीचे तक किया, आज देखा होगा कि हमारे वहां के साहड़ा के प्रभारी जोगेश्वर जी ने ट्विटर पे एक फोटो डाली है। साफ साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि नरेगा के मजदूरों को बस में बैठा के, न तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन है, चुनाव के आयोग के नियमों की धज्जियां। अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने कल लंबा चौड़ा भाषण दिया, महात्मा गांधी जी की तर्ज पे शांति अहिंसा और लोकतंत्र का भाषण दिया, उसमें उन सारी चीजों का उल्लेख किया, कोरोना की गाइडलाइन का, निष्पक्ष चुनाव का, बाकी सब मुद्दों का, लेकिन वो भूल गए कि खुद उन्होंने इतनी बार कोरोना की गाइडलाइन तोड़ी है, उनके लोगों ने तोड़ी, लेकिन चुनाव के नियमों की धज्जियां उड़ाना ये साफ तौर पर हुआ। उसमें जो ग्राम विकास अधिकारी है वो प्रत्यक्ष रूप से नरेगा के मजदूरों को ठेलकर उस बस में बैठा रहा है, कांग्रेस पक्ष में अपील कर रहा है।